We will see what are the things we have to keep it in mind while writing mathematics paper. पेपर लिखने के टाइम कौन से क्वेश्चन पहले लिखने का, कौन सा क्वेश्चन बाद में लिखने का, तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पहले 40-50 मिनट्स में स्टूडेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4. दीज आर द टू इजिएस्ट क्वेश्चन इन द होल क्वेश्चन पेपर. सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ईजी होता है, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4 ईजी होता है. तो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प दिस टू क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, देन नेक्स्ट 50 मिनट्स, ओके, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5. अगर हम लोग पूरा पेपर देखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ईजी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 उससे थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. वेर इज इन सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 4 इजी होता है, क्वेश्चन नंबर 5 स्लाइटली डिफिकल्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो डिफिकल्ट के हिसाब से जाएंगे तो स्टूडेंट शुड फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5. एंड इन मैथ्स 1 सेक्शन 1 विच आर द इजी टॉपिक विच विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली कॉन्फिडेंटली. एक टॉपिक है मैट्राइसिस, लॉजिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ये तीन टॉपिक पूरा 26 मार्क्स का कवरेज करता है. तो आउट ऑफ 40 मार्क्स पेपर स्टूडेंट कैन ईजिली स्कोर 26 मार्क्स इफ दे कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थ्री टॉपिक्स. एंड इन सेक्शन 2 टॉपिक्स लाइक डेमोग्राफी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एन्यूटी, इंश्योरेंस, असाइनमेंट, दीज आर द मोस्ट ईजी टॉपिक्स एंड ज़्यादा वेटेज वाले हैं. इट कवर्स नियरली 30 मार्क्स. ओके, सो स्टूडेंट्स इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक्स यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स 70-75% आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स. ओके, नाउ व्हाइल राइटिंग मैथमेटिक्स पेपर व्हाट आर द थिंग्स स्टूडेंट्स हैव टू कीप इट इन माइंड. ओके, सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये दोनों अलग अलग आंसर शीट में लिखना है. स्टूडेंट प्लीज कीप इट इन माइंड. इन केस इफ यू राइट सेक्शन 2 का क्वेश्चन क्वेश्चन सेक्शन 1 में या सेक्शन 1 का क्वेश्चन सेक्शन 2 में सॉल्व करेंगे तो वो चेक नहीं किया जाएगा. ओके, सेक्शन 1 सेपरेट आंसर शीट, सेक्शन 2 सेपरेट आंसर शीट. ओके, सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि व्हेन यू लुक एट द मेन आंसर शीट स्टूडेंट्स हैव टू फिल अप. सिंस यू पीपल हैव ऑलरेडी अपेयर्ड वन बोर्ड एग्जाम, यू नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, मेन आंसर शीट में बच्चों को सेंटर नंबर लिखना है, शीट नंबर जो लिखते हैं वो दोनों में लिखना पड़ेगा, फिगर्स में भी एंड वर्ड्स में भी, सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज ऑफ आंसर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, पेपर पे अपना खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, सुपरवाइजर का भी सिग्नेचर होना चाहिए, दोनों मैंडेटरी है. मेन आंसर शीट प्लस नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स ऑल ड्यूली साइन बाय सुपरवाइजर. अगर कोई सप्लीमेंट या मेन आंसर शीट सुपरवाइजर का सिग्नेचर नहीं है तो वो चेक नहीं किया जाएगा. ओके, देन न्यू क्वेश्चंस ऑन न्यू पेज, दिस यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट एज यू हैव अपेयर्ड फॉर वन बोर्ड एग्जाम. देन कंप्लीट ईच क्वेश्चन एज पर द एलोटेड टाइम. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम लोग कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं और वहाँ पे अटक जाते हैं, वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम. अगर तुम लोग कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं या अटक जाते हैं तो डोंट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स. यू कैन स्टॉप दैट क्वेश्चन, लीव सम स्पेस एंड यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बट सी दैट यू डोंट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. मोर देन 5 मिनट्स यू शुड नेवर वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. डोंट कीप क्वेश्चंस इनकम्प्लीट. ये होता है, अगर हम लोग बीच में किधर फंस जाते हैं तो हम लोग उसको छोड़ के आगे जाके पेपर कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो इनकम्प्लीट काम रह गया था वो हम लोग वापस कंप्लीट नहीं करते हैं. सो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. जो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बताया है 24 मिनट्स, 28 मिनट्स, 28 मिनट्स, वो हिसाब से अपना टाइम बचता है, 10-15 मिनट्स यू आर सेविंग इट. सो इन दिस 10-15 मिनट्स यू कैन चेक द कंप्लीट पेपर एंड यू कैन सी वेदर ऑल द आंसर्स आर रिटर्न करेक्टली, कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है क्या, ये सब चेक कर सकते हैं तुम लोग. हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड लीजिबल, प्रेजेंटेशन अच्छा ढंग का होना चाहिए, एग्जामिनर शुड बी एबल टू रीड इट,
ही शुड बी वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन. यूज मैथ्स का पेपर अगर तुम लोग सॉल्व करते हैं तो मैथ्स का लैंग्वेज यूज किया करो. ओके, क्योंकि मैथ्स का लैंग्वेज, मैंने इसे मैथ्स का लैंग्वेज क्या होता है, मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं, मैथ्स के कुछ डेफिनेशंस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, दैट हैज़ टू बी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन मैथमेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट. जहाँ जहाँ पे जस्टिफिकेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वहाँ पे रीजंस लिखो कि हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, हम लोग ने ये रूल यूज़ किया है. ओके, देन अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कैंसलेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ओके, देन हाईलाइट्स द फाइनल आंसर. ओके, हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट करना चाहिए. आइदर यू कैन अंडरलाइन इट और यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स. ओके, बी प्रिसाइज एंड ब्रीफ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जितना पूछा है उतना ही लिखो. ओके, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड ब्रीफ, अनवॉन्टेड थिंग्स शुड नॉट बी एडेड. ओके, टाई और स्टेपल ऑल योर आंसर पेपर प्रॉपरली, ऑल ड्यूली साइन, सब टाइप करना है पेपर मेन आंसर शीट के साथ, एंड सी दैट ऑल द पेपर्स आर ड्यूली साइन. ओके, चेक ऑल योर आंसर्स, ओके, सब क्वेश्चन के आंसर बराबर लिखे कि नहीं, हाईलाइट किए कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज कैरी लॉग टेबल. मैथ्स के स्टूडेंट को लॉग टेबल लेके जाना है, बट लॉग टेबल यूज करने के टाइम यू हैव टू आस्क द सुपरवाइजर. ओके, एंड थ्रू सुपरवाइजर ओनली यू शुड टेक द लॉग टेबल एंड सॉल्व इट.